Hi, this is Rati Pandey and I am with E-Times and I will be reliving Mile Jab Hum Tum days. एक्चुअली मैं मिले जब हम तुम के लुक टेस्ट के लिए गई थी सो आई वॉज़ वेरी थ्रिल्ड अबाउट द कैरेक्टर दैट आई हैड टू प्ले बिकॉज आई वॉज सीकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर जहाँ पर मैं एक्चुअली दिखा सकूँ. बहुत बबली था, एज यू ऑल नो दैट इट वॉज़ अ वेरी बबली कैरेक्टर एंड यू कैन रिलेट टू इट, वेरी रिलेटेबल. सो बट वेन आई केम टू नो दैट देर आर four characters in the show, as in there are two couples, they will be lead in the show, then I was very skeptical about it because maine ek zee ka show kiya tha as main lead and then second show maine jab sign karne wali thi to pata chala ki char char log hai, so I was very skeptical. I called up the producer, I said no I'm not doing it. He said why not? Yeah, because I want you to do this show, you are so good. I said वो ठीक है लेकिन मैं मेन लीड नहीं हूँ ना. सो सर कि नहीं, इसमें कोई मेन लीड की बात नहीं है, यू गाइज आर मेन लीड्स ओनली. ऐसा कुछ नहीं दिखेगा दैट यू आर द सेकेंडरी कैरेक्टर या दे आर द प्रायोरिटी. आई सर कि बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने तो ना बोल दिया और एक महीने के लिए मैं घर पर बैठ गई, उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं करती थी मैं. फाइनली ही अकेन, मैं भूल गई थी कि ऐसा कोई शो है, बट आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैं ये काश ये कर लेती, लेकिन अगर ये तीन नहीं होते तो मैं कर लेती. एक मेरा हीरो छोड़ के. तो बहुत जद्दोजहद चलती थी, फिर मैं भूल गई एंड द फाइनल डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सुधीर शर्मा, मिस्टर सुधीर शर्मा द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, एंड ही कॉल्ड मी. आई सेड वी आर रिकंसिडरिंग यू, डू यू वॉन्ट टू थिंक वंस अगेन? आई सेड कि आप मुझे सेकेंड लीड तो नहीं बनाएंगे. तो नो, वाई आर यू स्ट्रेसिंग ऑन दिस फर्स्ट लीड एंड सेकेंड लीड? देर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू एटलीस्ट डू इट ना, आप करके तो देखो. मैं आपको जुबान देता हूँ कि आपको ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आएगी. सो आई सेड कि फाइन, ठीक है, आई एम कमिंग बैक, मैं ऑफिस आती हूँ, आपसे मिलती हूँ. एंड देन आई मेट हिम एंड देन ही कन्विंस्ड मी दैट दिस विल नॉट हैपन यू, बिकॉज योर कैरेक्टर इज सो लवेबल ना दैट पीपल विल लाइक योर कैरेक्टर. एटलीस्ट अटेम्प्ट इट, अटेम्प्ट करके देखो. इफ यू आर लाइकिंग इट देन आई नो कि आप क्या करने वाले हो स्क्रीन पे भी. सो आई ट्रस्टेड हिम एंड आई सेड कि ओके फाइन, लेट्स डू इट. तो वैसे ही मैंने हाँ बोला मिले जब हम तुम के लिए एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री. The moment I started doing my scenes, I started enjoying so much that I engrossed in my character. मैं हमेशा नुपुर ही बन गई, मतलब घर भी जाती थी तो नुपुर की तरह ही बिहेव करती थी. एंड वन फाइन डे व्हेन इट वेंट ऑन एयर, जो रिस्पॉन्स मिला ऑन एयर आने के पहले भी, तब इंटरनेट में हमारे इंटरव्यूज आने तब शुरू हुए थे, 2007 की बात कर रही हूँ. ह्यूमंगस रिस्पॉन्स, मतलब रिली लॉन्च होने से पहले भी. Then I felt ki nahi, I took a right decision. So rest is history. As I said that this has become huge, we realized one day Arjun and me, we were sitting in the vanity and he was scrolling down the internet. There was a portal, I don't want to name that. Usme hamare positions number 1, number 2, aise mila yaar, hum log to abhi aaye nahi hai, hamare numbers ratings kaise ho rahe hain. So he said this is the craze. I mean people are still, promos itne exciting the us daur mein ki people were waiting eagerly ki bhai ye kya show hai, zara hum dekhen. Aur jab aaya to matlab सेट्स पे बहुत लोग आते थे, द पीपल हु न्यू दैट यहाँ पे शूटिंग चलती थी. सेट्स पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी एंड देर वॉज वन इंसिडेंट आई रिमेंबर. अर्जुन एंड आई वेंट टू कैलकटा फॉर सम टैलेंट हंट शो, जहाँ पे हमको वहाँ पे टैलेंट्स देखकर उनमें से एक चुन के लाना था हमारे शो में, वो एक्टिंग करता हमारे साथ. अब जिन्होंने किया वो आज बहुत अच्छा एक्टर है. मैं नाम नहीं लेना चाहती वापस. सो there the crowd, it was humongous. Everybody was, you know, like cheering us up. Mile jab hum tum, arjun rati, mayank nupur, jo ye characters the. I felt ki this is something I was like, really ye jo hum kar rahe hain ye kafi badi cheez hai and I should thank god now ki bhai bahut acha decision liya
और ये शो अब हम लेके जाएंगे ऊपर. आई वुड से उस वक्त माहौल कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था. टॉकिंग अबाउट शूटिंग आवर्स बदले नहीं हैं अब भी और उस वक्त भी. आई फील जो पैशन था towards television, towards a show, being it the technician team or the actors or the producers, अभी भी passionate है. मैं ये नहीं कह रही हूँ television में कोई passionate नहीं है, but जिस passion से हमने ये show बनाया था, हर कोई, हर department का इंसान, आप उस show को देखते ही, अभी भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या quality work हम लोग निकालते थे उस वक्त. Be it lighting, हमारा show, it was, the USP was our songs. We used to shoot n number of songs. I still remember, I think we have shot 60 songs in Mile Jab Hum Tum on television. And we used to take one day for the shooting. When we used to shoot a song sequence, either it's between Mayank or Nupur, Arjun ya Mera Koi Gaana Bhi, hum log shoot karte the, wo filmi taur pe shoot hota tha. There used to be channel people around. Subah se raat tak channel ke log aate the, creatives. और गाना कॉपीराइट्स जो भी गाने हैं, चुनिंदा गाने, भारी भरकम पैसे देकर हम लोग अच्छे अच्छे गाने लेते थे. एंड सुबह से रात तक, इट्स नॉट अबाउट 12 आवर्स, वी हैव आल्सो शॉट फॉर 20 आवर्स, 18 आवर्स जो बोल सकते हैं, हम लोग थक जाते थे, फिर भी वो पैशन जो था ना उस वक्त, वो अलग ही था, वो दौर ही अलग था. मतलब आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स टॉकिंग अबाउट इट. मतलब जिस तरह से हम लोग जब गाना शूट करते थे ना, तो वो हमारे लिए ब्रेक होता था, एक सूदिंग इफेक्ट लाता था कि चलो आज ब्रेक है, लेट्स शूट इट. और बहुत मज़े से हम लोग गाना शूट करते थे, फुल डे लेकर. आजकल क्या होता है, एक घंटे में गाना इधर किया, उधर किया, इधर किया, एक घंटे में टेलीविजन में गाना ख़त्म हो जाता है. मॉन्टाज शूट कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, एक घंटे में, दो घंटे में, मैक्सिमम चार घंटे में आपका एक गाना ख़त्म हो जाता है. सो आई फील कि वो पैशन की कमी है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि आज हम शूट कर रहे हैं, शाम को टेलीकास्ट हो रहा है. आज हम शूट कर रहे हैं, शायद कल टेलीकास्ट हो. वो टेलीकास्ट सिस्टम उस वक्त, हाँ, डेडलाइन उस वक्त भी था. वी यूज टू गो थ्रू दिस फेज, उस वक्त भी था, बिल्कुल था. लेकिन हम लोग वो पैशन कभी छोड़ते नहीं थे. ऐसा नहीं लगता था कि हमने ये छपाई की हुई है. सो जब भी गाने आते थे तो लगता था कि ये मतलब ये गाना बना ही इन लोगों के लिए. सो आई फील कि उससे ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं, एंड दैट वाज आर यूएसपी. तो मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी, पैशन और ये जो होड़ है टेलीकास्ट की और रेटिंग्स की स्पेशली, कि हमारी रेटिंग्स क्यों नहीं आ रही है, आज कहानी चेंज कर देते हैं. आज के दौर पर ये होता है कि दो दिन में रेटिंग नहीं आई ना, अच्छा चेंज कर दो ट्रैक. उस वक्त ऐसा नहीं होता था. उस वक्त रेटिंग्स मैटर करता था, बट हमारा सेफेस्ट चैनल था. एंड बीइंग इन दैट चैनल, आवर रेटिंग्स वर नॉट वेरी हाई कंपैरेटिवली द अदर शोज दैट टाइम, बट वी वर वेरी पॉपुलर. आर शो वाज वेरी पॉपुलर. हालांकि रेटिंग्स भले ही कम हो, लेकिन बहुत पॉपुलर था, जो चीज़ आज नहीं मिलती है देखने को. आज एक शो हिट हुआ तो इसी का अनदर सीक्वल बनाओ दूसरे चैनल में. अच्छा, इसी का कंपैरेटिवली कुछ ऐसे ही बनाओ, जो आई डोंट वांट टू नेम द शोज, यू गाइस नो. तो आजकल ये होड़ है कंपटीशन का, कि अगर एक टेलीविजन में शो हिट हुआ, वेदर इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी, यू 2-3 प्रोड्यूसर्स विल कम अप विद देयर ओन मैच्योर लव स्टोरीज अगेन इन डिफरेंट चैनल्स. सो दिस इज द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ. यस, ऑफकोर्स. एंड पैसे, आजकल बजट ही नहीं है. आप कहीं भी कोई भी शो पकड़ो, पैसे नहीं है, ये किल्लत है. हालांकि सब कमा रहे हैं शो से, बस एक्टर के लिए पैसे नहीं है. दिस इज़ द ट्रूथ. हाँ, ऐसे कई बार हुआ है. मेरी पूरी जर्नी में अगर मैं कहूँ तो ऐसे लगातार हर शो में मैंने ये फेस किया है, वेयर आई हैड टू एक्सटेंड माई शिफ्ट्स, वर्किंग आवर्स. आई हैड टू एक्सटेंड माई वर्किंग आवर्स. वाई? बिकॉज वी आर सो कमिटेड टू आर वर्क, एंड वी नो दैट नॉट द एक्टर्स, ऑल द टेक्नीशियंस, जितनी भी पूरी टीम है, सब अपना अपना टाइम दे रहे हैं. अगर उनमें से एक उठ के बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, तो शूट हैम्पर होगा, हमारा शो हैम्पर होगा. सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी भी है मेरे लिए, बट
उस वक्त हम लोग जाना नहीं चाहते थे बिकॉज वी टू इमोशनली अटैच टू द शो. हम लोग उस चीज़ को हड़बड़ी में ख़राब नहीं करना चाहते कि भाई मेरा 12 घंटे हो गया मैं निकल रही हूँ. ये हाँ हम लोग बोल देते थे लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे बिकॉज वी आर मैं हम देख रहे कि सारे लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू प्रेजेंट दिस सीन और प्रेजेंट दिस सीक्वेंस ब्यूटिफुली टू द ऑडियंस. और अगर वो छपाई हो तो वो दिखेगा. तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे. तो आई हैड टू एक्सटेंड माई वर्किंग आवर्स लॉट ऑफ टाइम्स. अगर कोई पार्टी सीक्वेंस ऐसा हो जाता था हम लोग तो रेडबुल पी पी के कि आँखें कॉफ़ी पी पी के आँखों में कुछ ऐसे ग्लिसरीन डाल डाल के ऐसे खोल खोल के रखते थे कि नींद आ रही है तो नींद ना आए नींद ना आए. और तो येस वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ फेजेज इन आर लाइफ लाइक दिस. आई फील पर्सनली मैं अब तक वैसा करती हूँ अभी भी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मिले जब हम तुम डेफिनेटली येस वी हैव ड्यूरिंग आर सॉन्ग सीक्वेंस वो बहुत ही मतलब टीडियस होता था. व्हेन अर्जुन एंड आई यूज टू प्रैक्टिस डू द कोरियोग्राफी कोरियोग्राफर्स अलग से आते थे और उसके बाद सेटअप पूरा होल सेटअप होता था. आई रिमेंबर वी शॉट इन ठाकुर कॉलेज देर वॉज अ सालसा सीक्वेंस बिटवीन अर्जुन एंड मी. तो उसमें सुबह से हम लोग आए हम लोग पहले कुछ कॉस्ट्यूम में गड़बड़ हो रहा है ये नहीं हो रहा. मैंने साड़ी पहन रखी थी और साड़ी में सालसा करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. चार पाँच दिनों से मैं बोल रही हूँ भाई मैं साड़ी में सालसा कैसे करूँ साड़ी में सालसा कैसे करूँ. सो माई प्रोड्यूसर सेड कि यही होने वाला है यू विल डू इट डोंट अभी नखरे मत करो. ठीक है. सो उसके लिए हमको चार दिन पहले से हम प्रैक्टिस कर रहे थे. वी यूज़ टू शूट एंड देन गो बैक टू द रिहर्सल हॉल्स एंड अलग अलग रिहर्सल हॉल में हम लोग उस सालसा सीक्वेंस की प्रैक्टिस करते थे. तीन दिन मैक्सिमम वी हैव डन दिस. एंड ठाकुर विलेज में ठाकुर कॉलेज में प्रॉपर सेटअप हुआ. जब व्हेन वी सॉ द सेट आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ अ फिल्मी सेट. मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं. वो पहला एक गाना था जो हम लोगों को एक्चुअली लगा दैट वी आर डूइंग समथिंग बिग ऑन टेलीविजन. एंड बहुत मेहनत की हमने उस वक्त डांस. मेरी नी इंजरी भी हुई पड़ी थी तो आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्वर्लिंग अराउंड. तो मैं एक बार ट्वर्ल करती हूँ तो मैं बैलेंस नहीं कर पाती हूँ मैं फिर इधर उधर घूम जाती हूँ. सो उसमें अर्जुन को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई मुझे संभालने में. तो वो सीक्वेंस काफ़ी देर तक गया और देर तक गया उसी दिन एक ट्रेजेडी हुई जो है ताज में जब टेररिस्ट अटैक हुआ वो उसी दिन हुआ था. सो वी हैड टू स्टे बैक देयर वी हैड टू स्टे बैक देयर बिकॉज सनाया यूज टू लिव इन टाउन नियर बाय ताज. तो उसको भी काफ़ी डिफ़िकल्टी अब सब पैनिक कर रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें. तो हमको शिफ्ट एक्सटेंड करके हमको और गाना का टाइम मिल गया. हम एक्सटेंड करके शिफ्ट कर वो शूट कर रहे हैं और अच्छे से जो गाना शूट हो गया आई थिंक दैट वॉज द लॉन्गेस्ट आवर्स दैट वी हैव शॉट फॉर दैट सॉन्ग. एंड बेसिकली जब भी कोई सॉन्ग सीक्वेंस होता था उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता ही होता था. वेरी नाइस रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स क्या मिलेगा. अब तक मैं नूपुर के नाम से जानी जाती हूँ तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. दैट मीन्स दैट कैरेक्टर वॉज समथिंग लाइक कि मुझे बड़ा मज़ा आया करने के लिए. एंड मैं उसमें इतना घुस गई दैट आई एक्चुअली राइटर्स तो मैं थैंकफुल हूँ ही दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिलीविंग इन मी कि भाई अगर रति कर रही है तो ये कर जाएगी. दे यूज टू ट्रस्ट मी अलॉट. आई रिमेंबर गौतम हेगड़े वन डे ही टोल्ड मी ही वॉज द राइटर स्क्रिप्ट राइटर ही टोल्ड मी दैट मैं 60 लिखता हूँ तो तुम 100 करके देती हो. तो दैट वॉज अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम हिम एंड इवन फ्रॉम सुधीर. सो अगर मेरे डायरेक्टर खुश हैं मेरे काम से मेरे प्रोड्यूसर्स खुश हैं मेरे राइटर्स को अगर वो चीज़ें मिल रही हैं जो उनको इस कैरेक्टर से चाहिए और उससे दुगना मिल रहा है विच दे हैव नेवर इमेजिन्ड सो दैट इज़ माई रिवॉर्ड. एंड सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो होगा अगर मैंने कन्विंसिंगली उस चीज़ को उस किरदार को निभाया और ऑडियंस तक गई और ऑडियंस उस कैरेक्टर को बहुत प्यार कर रहे हैं. तो सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट आई प्लेड दिस कैरेक्टर और पीपल स्टार्टेड इमिटेटिंग मी. मेरा तकिया कलाम जो था ये बाय गॉड ये मैंने ही निजात किया है उस शो में वो लिखा हुआ नहीं था. सो वंस आई सेड बाय गॉड तो सबको अच्छा लगने लगा तो और हर बात पे मेरा बाय गॉड निकलने लगा और फिर बैकड्रॉप में वो हाय करके आता था कुछ साउंड. सो वो एक बन गया मेरा पेटेंट
बैकग्राउंड म्यूजिक. सो या तो व्हेन आई सॉ मायसेल्फ कि अच्छा ऐसे 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 खेल सकते हैं हम लोग और ये अच्छा ये लोगों को अच्छा लग रहा है सो लेट्स गिव इट अ वेरिएशन अब इसी से खेलेंगे हम लोग और या दैट्स हाउ दैट्स रेस्ट इज हिस्ट्री. देखिए एक तो ये डेली सोप कर रहे हैं हम लोग और डेली सोप में एक एक्टर को बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ की जगह मिलती नहीं है. आप एग्जैक्टली आप सुबह उठते हो और सीधे सेट पे आते हो पूरे दिन आप उन्हीं के साथ रहते हो जब घर पहुंचते हो थक हार के सो जाते हो. सो दे बिकम अ फैमिली. अगर आप 2.5 साल एक शो कर रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या झगड़े ही करते रहते हो. बहुत झगड़े होते थे हमारे बीच क्योंकि हमारा तब ना हलता खून था. वी वर यंगस्टर्स. अभी बुढ़े नहीं हुए हैं स्टिल. हम में समझ कम थी सद्बुद्धि कम थी तब. अब एक्सपीरियंसेस लाइफ में इतने सारे हो गए कि अब जब हम मिलते हैं तो हंसते हैं. तू पता है तूने ऐसा किया पता तू कैसा था यार तू ऐसे क्यों बोला तूने मुझे. तो अब हम लोग मिलते हैं तो बहुत वार्मली मिलते हैं. वी जस्ट बम्प इनटू ईच अदर. वी डोंट वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट जब भी मिलते हैं काफ़ी अच्छे से मिलते हैं. और मिले जब हम तुम के दौरान भी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रहा है हमारा. वी यूज टू हैव ब्लास्ट. आई मीन नॉट द फोर पीपल अराउंड द होल टीम. इवन इफ यू टॉक अबाउट उदय जसकरण जो जिसने उदय प्ले किया अभिषेक बेंजी नवीना ऑल ऑफ अस वी यूज टू हैव गाला टाइम. हम लोग लंच साथ में करते थे और बाकी तो आपके पास सारे फुटेजेस है ही उस दौरान आप लोगों ने जो भी शूट किया है. सो वी हैड रियली गुड टाइम लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जो उस टाइम गलती की वो हम सुधार चुके हैं. गलतियाँ मतलब जो झगड़े छोटे मोटे होते ही रहते थे हमारे कभी ना कभी किसी के बीच में. अर्जुन और मेरी तो बहुत खिंचाई करता था वो. सो बट एज टाइम वेंट बाय नाउ वी आर ग्रोन अप्स एंड आई फील कि वो एक अलग ही एरा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. अगर ऑफ लेट ज़्यादातर रहा है मेरे साथ कोई वो है जसकरण एंड अभिषेक अभिषेक बेंजी. आई एम स्टिल इन टच विद हिम. सो ही यूज टू बी दैट किडो अराउंड 18 साल का तब था तो हम लोग उसको बच्चा बोल के टट टट कट मारते रहते थे. वो हमेशा आता था हमसे गाइडेंस लेने के लिए और हम उसको कुछ और ही सिखा के भगा देते थे. सो यूज टू बी द टेडी बेयर ऑन द सेट. सो या तो हर कोई उससे ज़्यादा हर अपनी बातें भी अभिषेक को ही हर कोई बताता था. या अगर किसी को टाइम पास नहीं हो रहा अभिषेक को ही बिठा लेते थे हम लोग. मतलब अभिषेक यूज टू बी अराउंड मी ऑल द टाइम. सो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. आई होप ही स्टिल इज मैरिड नाउ. सो आई फील अभिषेक वॉज वन ऑफ देम. दो आई गॉट अलॉन्ग विद एवरी वन वेल. अर्जुन और मेरी भी जब भी सीन्स होते थे तो वी वर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर. कभी कभार हमारे क्लैशेस होते थे इस सीन को लेके उस सीन. अगर हमारा कभी ऐसे ही छोटा सा झगड़ा हो गया ना तो वो सीन में भी दिखता था. एंड आई यूज टू बी लाइक इसको कब अंदर से वॉइस ओवर आता था कि ये सीन में ऐसा क्यों दिखा रहा क्यों कर रहा है ऐसे पर्सनल चीज़ें नहीं लानी चाहिए. सो तो वही बचकानगी हरकतें हम लोग करते रहते थे. बट वी ऑलवेज मेड श्योर कि ये काम पे इफेक्ट ना आए हमारा माहौल ख़राब ना हो. वी ऑलवेज मेंटेन द डेकोरम. हमारा मिलना उतना होता नहीं है एज आई सेड दैट कि वी बम्प इनटू ईच अदर इन सम पार्टीज या जिम में कभी मिल गए. जब कोई एक जिम था जहाँ पे अर्जुन से मिली मैं किसी पार्टी में मिल गई. सो या देन बहुत अच्छा लगता है अब मिलके सबको. सनाए को भी मैं मिली अब दो तीन साल हो गए आई फील. तो जब भी हम लोग मिलते हैं तो काफ़ी वार्मली मिलते हैं और भले ही इतना टच ना हो लेकिन जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है.